नमस्कार मॉर्निंग बॉस को आपन को स्वागत मो स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस राज्य रे भयंकर स्थिति रे कोरोना इंसिडेंट बढ़ाई छि चिंता आज संध्या सुधा राज्य सरकार नै परंति बड़ निष्पत्ति पचाउ दिनक परे तृतीय पर्याय टीकाकरण कोविन ऐप रे चली छि पंजीकरण देशर अम्लजान संकट दूर पई प्रधानमंत्री प्रयास पीएम केयर्स रु आसीब 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर टीयर 2 शहर रे प्रतिष्ठा हेबो 500 ऑक्सीजन प्लांट पुतिन का सह कथा ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब समय रे ठिया होइतिबारु देले धन्यवाद स्पुटनिक वी को भारत रे मंजूरी पाई मोदी को प्रशंसा कले रूस राष्ट्रपति कोरोना काल रे राज्य स्वास्थ्य अवस्थार असल चित्र एमके सीजी रे पूर्णी ऑक्सीजन अभाव रो विकल दृश्य विभिन्न स्थान रो चिकित्सा अवहेलारु रोगी मृत्यु रो अभियोग बलांगी रे साइकिल रे बापांको शव बोहिला पु पुणी हारिला हैदराबाद 7 विकेट रे विजयी हला धोनी बाहिनी चेन्नई पॉइंट टेबल शीर्ष रे आईपीएल रो येलो आर्मी एवं बुला पशु को बंधु कलिंग युवसेना राजधानी रो गली कंदी बुली गाई गोरु कुकुर मांकड़ों को जोगाउछंती खाद्य व चिकित्सा संगठन रे 200 स्वेच्छासेवी नियोजित होई करछंती महत काम संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य रे भयंकर स्थिति रे कोरोना विशेष करे ट्विन सिटी रे गोष्ठी संक्रमण स्थिति राज्य सरकार कर चिंता द्विगुणित करिछि एहा को दृष्टि रे रखी आज राज्य सरकार नै पारंती किछि बड निष्पत्ति कटकणा बढ़ाइबा पई सरकारी स्तर रे जोरदार प्रस्तुति चलितबा चर्चा आज संध्या सुधा किछि बड निष्पत्ति निया जाय पारे कोन निष्पत्ति निया जाउछि सरकार कटकणा को बलवत्तर रखुछंती नाहुरी अधिक कडाकडी करुछंती ए सब उपरे नजर रहिबा राज्य रे भयंकर स्थिति रे कोरोना एवं कोरोना लगातार भावे संक्रमितों संख्या बढ़ी चली राज्य में 6000 ऊपर नंबर रोला गत काली किंतु रेकर्ड संख्यक नंबर जहां 8000 अतिक्रांत करी कि राज्य सरकार चिंतार कटक भुवनेश्वर गोष्ठी संक्रमण आशंका स्थिति को देखी स्वास्थ्य निर्देशकों बयान जड़े पॉजिटिव 200 जन को संक्रमित करिपे सेपटे बढ़ुवा एक्टिव केस चिंताजनक बोली कहले अशोक महापात्र पश्चिम ओडिशा रे लोकों को भयभीत न होबा पई अपील करिछंती विशेषज्ञ सेपटे राजधानी रे कटकणा जोरदार होईची 48 घंटा पई मार्केट बिल्डिंग को सील कर दिया जाईची ट्विन सिटी रे गोष्ठी संक्रमण आशंका जाहिर कले स्वास्थ्य निर्देशक भुवनेश्वर कटक रे बढ़ुची आक्रांतों संख्या बेसी प्रवासी सेथिपाई बेसी संक्रमण वर्तमान जड़े एकाधिकों संक्रमित करिपारे ए चिंता जाहिर करिछंती स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र आज 8000 पॉजिटिव बाहरिछंती काली बढ़ी पारे किंबा कमी पारे तबे एथिपाई डरिबार आवश्यकता नथिबा स्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती आमर मुनकर इनफेक्टेड मोर भाइराल लोड अनुसार आई कैन इनफेक्ट अप टू लिटरेचर कहला 200 भी करें 60 लोक भी इनफेक्शन कर 30 लोक भी इनफेक्शन नहीं पारे तेना इनफेक्शन बढ़ुची किंतु आमर गोटे कथा आपण मानक अनुरोध माने मेसेज दिंतु डरबार किसी ना आम समस्त व्यवस्था करुचु आवेरनेस आम मूलर कही आसू लोक मैंने जो भाया व्यवहार करा कथा व्यवहार करूँ जो वैधानिक जिनस गुड़ाक सरकार तरफ मुख्यमंत्री कहले आम सीनियर अफिसर मैंने कहते काम सीनियर डक्टर मैंने कहले से मानतु विशेषज्ञ आकलन आथ्य भी किसी इशारा कर नजर पकातु गत किसी दिन भितर कटक और भुवनेश्वर पजिट संख्या उपर राजधानी भुवनेश्वर 23 एप्रिल 698 24 एप्रिल 745 25 एप्रिल 683 26 एप्रिल 708 27 एप्रिल 773 से जदि कटक उपर नजर पकाइबा तबे 23 एप्रिल 246 24 एप्रिल 205 25 एप्रिल 214 26 एप्रिल 333 27 एप्रिल 146 स्थिति संकेत और संक्रमण संख्या चिंताजनक वर्तमान जड़े लोक 200 लोक संक्रमण करपड़े अशोक महापात्र पॉजिटिव को संख्या बढ़ाठू बड़ चिंतार कारण एक्टिव केस एवं कोरोना लड़े पर दरकार स्पेशल प्लानिंग मु प्रथम कहूँ सबुदिन आम कहूँ आम बेड संख्यार किसी असुविधा बर्तमान पर्यटन ना दुईट जिनस अच्छी
गोटे आमर आईसीयू बेड रे ऑक्युपेंसी अराउंड 53% अच्छी आउ आमर वेंटिलेटर अराउंड 33-35% 36% जनरल बेड ऑक्युपेशन ना अच्छी कारण जो जगह आम बेस लोक जा बेस संक्रमण हो तेणु गोटे जिनस नंबर ऑफ पॉपुलेशन तापर गोटे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आम सीनियर सिटीजन को टीका देदे आम हॉस्पिटल वर्कर को टीका दे बाकी रहीगले 20-40 वर्ष से माने वर्तमान फ्रीली बुलिले बुलिले कहीं कॉलेज स्कूल खोलीगला टीका दिहनी कौन सी कटका ना हॉस्टल में गोटे पिला कहले सब पिला हबार चान्स रोच कटक भुवनेश्वर कौटी बेस लोक अच्छे ना ना तेणु आम भाविबा जे आमर स्ट्राटेजी कटक भुवनेश्वर अलग हम आय जगह अलग हम सेपटे राज्य में बेड संख्यार असुविधा ना संक्रमण को दृष्टि रखी बेड संख्या बढ़ा जा आईसीयू बेड 53%, वेंटिलेटर 33-35% और जनरल बेड संख्या 36% व्यवहार होइछि। सेबडे पश्चिम ओडिशा रे राज्यर मोट पॉजिटिव रो प्राय 60% रहउछन्ति। खासकर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी जिले में बढ़ुछि आक्रांतक संख्या। जोटा आप मैंने कहते हैं समस्त कनसर्न अच्छे वेस्टर्न एरिया रे, वेस्टर्न एरिया रे आपर केस बढ़ुची एडमिशन रेट बढ़ुची किंतु से किसी असुविधा ना आम प्रथम भी आम मानवर मुख्यमंत्री कही आम एस एस सार कही डायनामिकाली जो भी जिते बेड दरकार आम धीरे 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 डेली मॉनिटरिंग होगा दरकार आम बढ़े चल तेणु से किसी असुविधा ना डर ना बढ़ुची पॉजिटिव संख्या अव्यवस्था अवहेलार अभियोग भितर बेड संख्या को नहीं भयभीत नहवाक स्वास्थ्य निर्देशक कहते तेज प्रशासन तत्परता सह साधारण लोक कोविड नियम मानिबार समय आसी। भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ए बाबद्रे अधिक सूचना पई सधासल काम प्रतिनिधि कविता जोड़ी होइछंती मो सहित। कविता आमे जति देखिबा मार्केट बिल्डिंग को 48 घंटा पई सील कर दिया जाइछि। आपण वर्तमान 4 नंबर मार्केट रे अछंती, सेठारे कोन स्थिति देखंती, सामाजिक दूरता को लोक केते गुरुत्व देउछंती एवं वास्तविक भाबरे भुवनेश्वर रे लोक सचेतन अछंती त स्मृतिलग्न जी कहवा कि राज्य में बेकाबू स्थित रही कोरोना एवं दिनकू दिन संक्रमण संख्या बढ़ुचे सहित जी कह गत अपडेट दवापाई चाहिए गत काली जो संक्रमण बाहरी भुवनेश्वर जीत संक्रमण होते 8000 पार कर खोर्धा सर्वाधिक रही 1800 क्रॉस करथिला एवं जदि कहबा भुवनेश्वर कथा भुवनेश्वर 1044 गत काली ही बारिछि आउ भुवनेश्वर स्थिति मध्ये संगीन अछि। तापर मार्केट बिल्डिंग कथा जों भले भाबरे 48 घंटा पई मार्केट बिल्डिंग को बंद करा जाय दिया जाय छि। जदि कहबा कि मार्केट बिल्डिंग रे जों भले भाबरे सामाजिक दूरता रहबा कथा मास्क पिंधिबा कथा से भाया कौन नियम मानु नथिले लोक माने जो परिसर मार्केट बिल्डिंग परिसर जो चेयर रही थे सब से बसवाई बारण होता किंतु पुलिस पक्षर प्रशासन सचेतन करने सत्वे से लोक मैंने बसुले कहीं कौन कथा मानु नथिले कटक रही कई मानु नथिले से 48 घंटापाई मार्केट बिल्डिंग बंद कर 4 नंबर हाट कथा से संक्रमण को रोक लगवाई 4 नंबर हाट को रेडक्रस भवन पाखु अणा जाए लोक मैंने डिस्टेंस रही कि समस्ते परिपत्र बिक्री बाकी करेंगे संपूर्ण चित्र तथा जदि कह कि आरंभ हो हाट आ किस समय पूर्व ही सब लोक मैंने आसिक निज निज जिनपत जो भाई व्यवसायी मैंने रही आणिकी रखारख कर किसी लोक भिड़ आरंभ है कहीं जदि कह कमें आईंश बजार कथ कौल जेहेतु बुधवार थी आईंश बजार भिड़ था गोटे मुंडे समस्त रोच कि आम आगुआ जीव आगुआ जिनस आणबू पलै आसबू ये जिनस स्थिति देखा मिलूँ आ हाट कथा जी कह देखुए गोटे व्यवसायी जनक रही भाव में मस्क हसई जमी कहु जो व्यवसायी मैंने मस्क न पिंधे तेज दुकान सिल कर मुझे जावाक चाहिए प्रतिक्रिया नाक चाहिए कहीं से मस्क पिंधि खसई कम करूँ खसी पड़ी ढाल ढाल खसी पड़ी आमे परिया बिकुचु आज्ञा आमे जदि मास्क व्यवहार करू दिन को 4-5 मास्क जी आम बेपार भी एत नाई मास्क 8-10 दिन को
जीवन तो भाविया पड़ो तेणुक मास्क बांधीचु रुमालटा आमक मानते कम्फर्टेबुल हो कारण कि दुकानी मास्क पिंधुना दुकान सिल कर लोक मैंने सचेतन गली पड़ी मास्क अच्छी मैडम ढाला खसी पड़ा कहे संक्रमण स्थिति तो ठीक कथा कहते कौन करम करू करू तो है देखे क्यों भाव जुक्ति करम करू करू खसी जा रुमाल व्यवहार करने के ठीक जो संक्रमण संख्या बढ़ुची से आम रुमाल व्यवहार करवा के ठीक जदि डबल मास्क व्यवहार करने बर्तमान कहुच डबल मास्क परिवर्तन मैंने रुमाल व्यवहार कर संक्रमण स्थिति बढ़ुची बेकाबू स्थित रही कोरोना लोक मैंने सबकि जानक सचेतन नुहत राजधानीवासी सचेतन नुहत कहीं भुवनेश्वर संक्रमण संख्या जी मात्र बढ़ुची स्थित संगीन रही भी लोक मैंने सुधार ना कि बुझा स्थित बहुत बहुत धन्यवाद कविता सविशेष सूचना विभिन्न लोक विभिन्न मानसिकता किंतु मानसिकता एक हवा दरकार कारण गाइडलाइन गोटे रही समस्त मास्क जीवन बाध्यबाधकता पलटि जाइए आगामी केते मास पर्यंत आमको मास्क सहित बंचिबाकु पड़िबो बा आगामी केते वर्ष पर्यंत ए सचेतनता सहित ए कटकणा सहित आमको रहिबाकु पड़िबो से कथा अनिश्चित किंतु मानिबाकु तो पड़िबो कारण वर्तमान सुधा कोरोना महामारी जेभळि भाबरे तांडव रचैछि जो कराळ रूप देखैछि मानव जाति अनेक मात्रा रे वितस्पृह मध्य होइछि किंतु तथापि संघर्ष जारी रहैछि कोरोना हरेबा पाई बा आमे जितिबा पाई ए संघर्ष आगो को मध्य जारी रहबो बहुत बहुत धन्यवाद कविता अमर प्रतिनिधि थिले जे अधिक अपडेट देउथले देशर ऑक्सीजन संकट दूर करबा पाई मोदी सरकार को बड़ा पदक्षेप पीएम केयर फंड रे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर किणिबा पाई मंजूरी प्रदान करिछंती प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षतार होइतिबा एक उच्चस्तरीय बैठक रे एभले एक निष्पत्ति निया जाइछि ए पोर्टेबल ऑक्सीजन शीघ्र किणि राज्य सरकार गुड़ी को जोगाइबा पाई निर्देश देइछंती प्रधानमंत्री एथि सहित पूर्वरु पीएम केयर फंड रु स्वीकृति 713 पीएसए प्लांट छड़ा 500 नुआ ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी प्रदान करा जाइछि ए ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय एवं टियर 2 शहर रो हॉस्पिटल गुड़िक स्थापन हो द्वारा टीयर 2 शहर गुड़िक ऑक्सीजन रो आवश्यकता को पूरण करा जाई परबो सेपटे प्रधानमंत्री निष्पत्ति को स्वागत करिसेंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान पीएम केयर फंड रु 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर निश्चित भाव क्रय करने अतिरिक्त 500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करने को मंजूर देती देशर समस्त जिला मुख्यालय तथा टायर 2 सहर एवं अधिक कोरोना संक्रमित राज्य गुड़िक तरल मेडिकल ऑक्सीजन जोगाण को वृद्धि करने पीओसी क्रय एवं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट यथाशीघ्र प्रतिष्ठा करने निर्देश देते जो प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित फोन जोगे कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए खराब समय रे रुषिया भारत सहित ठिया होईची कोविड मुकाबला दिगरे भारत को समस्त प्रकार सहयोग करबा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को करिसेंती प्रशंसा एवं प्रतिश्रुति मध्य देइसेंती जे निश्चित भाव रे समस्त प्रकार सहायता पई आमे छिडा हबु भारत पाखे मोदी को प्रतिश्रुति से भाव में सहयोग हाथ बढ़ाई थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद जनाई मोदी जरूरी कालीन व्यवहार पर स्पुटनिक वी को भारत में मंजूरी प्रदान कर प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा कले रुष राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी यार प्रति उत्तर में कही स्पुटनिक वी वैक्सीन आम सहयोग ए महामारी समय मानव जाति को निश्चित भाव सहायता हो
पॉजिटिव का संख्या बढ़िबा सह राज्य में स्वास्थ्यावस्थार असल चित्र आसुची सामना को गतकाली मध्य आमे ए संपर्कित खबर प्रसारण करथिलु। आज मध्य आस्का एमकेसीजी भली स्थानरु चिकित्सा अवहेला कथा सामना को आसीची जेउठे साधारण जनता ओडिसा रे चिकित्सा व्यवस्था उपरे संगीन अभियोग आनिछन्ते। कोविड काल रे केमिति अछि राज्य रे स्वास्थ्यावस्था सामना को आसुची गोटिए परे गोटिए अवहेलार चित्र। प्रथमे देखंतु एमकेसीजी रो दृश्य। ऑक्सीजन को नहीं असहाय रोगी और सेमानंक संपर्कियों किए चट्टान पड़ी किए बचाक संघर्ष ऑक्सीजन रो अभाव भितर जमी भगवान भरोसार रोगी। मंगलवार दिन 10:00 to 10:30 मध्य दृश्य जड़े महिला निज भाई किभली ऑक्सीजन काकुति मिनती कर देखु जहाँ से निज फेसबुक आईडी रे लाइव करते दृश्य 30 to 40 मिनट धरी मेडिकल आगे अटकिले आंबुलांस किंतु भितर को जापारानी आय भिडियो जितेबले सिक्यूरीटी सह रोगी संपर्कियों जुक्तितर्क होता यह बाबनपुर कोविड हॉस्पिटल रो सेमानक अभियोग भितर को न छाड़ डेरी रे डाक्तर देखिले एपरिकी डाक्तर मध्य विलंबर आसीथिबारु तांकर मृत्यु हैला। सकाळ टिके निश्वास प्रश्वास टिके कम हैला तापरे मुंड बिंदु चली कहले तापरे तांके निजे निजे चालिके गले मेडिकल को मेडिकल गले कार रे बसिके बड़ा मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल जे कहला जदि निश्वास कमु चली कहले गोटे काम करंतु गंजाम हिंजिलिकाट उपखंड चिकित्सालयरु मध्य आसीछि चिकित्सा अवहेलार अभियोग। कोविड रिपोर्ट मागी चिकित्सा देरी करे डाक्टर हिंजिलिकाट कोविड केयर सेंटर रे रोगी रिपोर्ट नेगेटिव आसीथिला तेबे रोगी संपर्कियों अभियोग रिपोर्ट नेगेटिव कथा मौखिक भाव में कहते रिपोर्ट केमिति आनी थांतु डॉक्टर देखिबा पूर्व प्रथम कोविड टेस्ट करती कोविड टेस्ट कला वर्तमान नेगेटिव रिपोर्ट मौखिक भाव कहीदे कि पठाई देखिए आसला ऑक्सीजन लगे मुझे रिक्वेस्ट होकर ये बर्तमान सार पांचटू गाँव आंबुलांस जो आसे एटी बर्तमान 6:45 पहुँचल सार 6:45 आमर बर्तमान डॉक्टर को बहुत नेहुराली सार बुझे मुझे सार सालाइन दिखुद पेसेंट बची सार सालाइन बोले ना तार कोविड रिपोर्ट सार कोविड रिपोर्ट नेगेटिव नेगेटिव रिपोर्ट ये आसला भितर सी पेसेंट डेड होगा पेसेंटर कंडीशन बहुत सीरीयस था से गैस्ट्रिक स्टेज था कि ऑक्सीजन लगे भितर ही तार डेथ हो आसबार गोटे 15 to 20 मिनट हम 20 मिनट हम आम कौन कल मैंने जो पेसेंट कहल आप टेस्ट कर पुर्णा मेडिकल को जाते पुर्णा मेडिकल जाइए टेस्ट कर आसमें कहलु जब टेस्ट कर रिपोर्ट आनतुँ कहल आम ऑक्सीजन लगे ट्रीटमेंट चली कंटिन्यू चलती आसा भितर मैंने रिपोर्ट धरिक आसती आसबार गोटे 2-3 मिनट भितर तार डेथ ना किसी अबला ना आ कि 1% भी अबला ना 1% भी अबला ना आम डेडिकेटली ड्यूटी करें देखूँ बलांगीर पटनागढ़ दृश्य कोरोना भय से शब बुहा है सैकेल पीपी किट पिंधि बापार शब को सैकेल बहिला पुओ ओडियापाली पंचायत भाली डुंगुरी गाँव में दृश्य को नहीं एवं चर्चा आज संकट भितर साधारण जनता भयभीत नहबार आवश्यकता रही यार भितर मानविकता न भूलिबा दरकार सेपटे राज्य सरकार केवल कथार नुहे ग्राउंड जीरो लोकों कथा बुझा दरकार। ब्रह्मपुर पीतांबर नाहकों सह पटनागढ़ सदाशिव सराफ को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। तेबे रिपोर्ट आसी पहुंची राज्य में शेष 24 घंटार रिपोर्ट कौन कहे आम नजर पकेबा अनुगुळरु 325 बालेश्वर 97 केस बरगढ़ 330 भद्रक 91 बलांगीर 236 बौद्ध 65 कटक 517 देवगढ़ 74 ढेंकानाल 22 गजपति 121 गंजाम मध्य 100 अतिक्रांत कर 128 एवं जगत सिंहपुर 104 जाजपुर 226 झारसुगुड़ा 396 एवं कलाहांडी 292
କନ୍ଧମାଳ 45, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 77, କେଉଁଝର 160, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 919, କୋରାପୁଟ 57, ମାଲକାନଗିରି 30, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 308, ନବରଙ୍ଗପୁର 255, ନୟାଗଡ଼ 121, ନୂଆପଡ଼ା 420, ପୁରୀ 288, ରାୟଗଡ଼ା 181, ସମ୍ବଲପୁର 323, ସୋନପୁର 131, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 474, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 185। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6998 ଏବଂ ଗତକାଲି ଏ ସଂଖ୍ୟା 8000 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଜି 6998 ଏବଂ ସେହି ସମାନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରହିଛି, ଯାହା 919 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ 517 ରହିଛି, ତା ତଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥିଲା 8000 ଉପରେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ 6000 ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ 6000 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଯଦିଓ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ତଳେ ରହିଛି, 1000ରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତ ଆଜି କମିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 6998 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 919 ରହିଛନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 517 ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 474। ସେଭଳି ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ା ଦେଖିବେ 420। ଏଭଳି ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ 21 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ 26 ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍କୁ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଏକଥା କହିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ବିଗତ 27 ଦିନ ଭିତରେ 94,497 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲାଣି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 5000 ଭିତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ପାର ହୋଇଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗତ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ଯାହା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଟିମ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଜି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ 12 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା, 12 ଜଣଙ୍କ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ, ଆଜି ଏହା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି, 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତରେ। ଗତକାଲି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 10 ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଆଜି ସଂଖ୍ୟା 2 ଡିଜିଟ ଉପରକୁ ଯାଇ 12 ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଛୁଇଁଛି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ବିଷୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜୋନ୍ରେ ସେମାନେ ରହିବେ, କାରଣ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଖି ବାଟ ଦେଇକି ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରତି ଏଣିକି ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବସ୍ରେ ଖବର ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।